गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 1100 और जनपद में 31 आयुर्वेदिक और होम्योपैथी चिकित्सकों को दिया नियुक्ति पत्र। कहा, अपने कार्यों से आयुष चिकित्सा को दे बढ़ावा। कोविड काल में नानी के नुस्खों को लोगों ने अपनाया, अब आपकी जिम्मेदारी। चौरी चौरा पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का विधायक संगीता यादव व कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। कहा, प्रदेश सरकार चौरी चौरा के विकास के लिए है कटिबद्ध, विकास में नहीं होगी कोई कमी। 2021 में विदा हो जाएगा कोरोना। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने लगाया भाजपा के जिला उपाध्यक्ष पर जबरिया, अपने रिश्तेदारों को थाने से छुड़ाने का आरोप। जबकि भाजपा के जिला उपाध्यक्ष ने किया आरोपों से इनकार। कहा, कोई रिश्तेदार नहीं, कार्यकर्ताओं को जबरन बंधक बनाकर पूर्व सपा जिलाध्यक्ष ने पीटा। मामले की जानकारी मिलने पर थाने पर जाकर कार्यकर्ताओं का जाना हाल। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई गोरखपुर महोत्सव में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित बैठक। सांस्कृतिक कार्यक्रम के कलाकारों के नामों पर लगी मुहर। कहा, सफलतापूर्वक संपन्न कराएं गोरखपुर महोत्सव। जनपुर नवजात की गलत रिपोर्ट देने का मामला। जिला प्रशासन द्वारा 4 डायग्नोस्टिक सेंटरों पर कार्रवाई करने के बाद डॉक्टरों के बचाव में उतरा आईएमए। पीड़ित ने किया प्रेस वार्ता। कहा, दोबारा जांच होने पर आईएमए जांच को कर सकता है प्रभावित। मेरे बच्चे को नहीं मिलेगा इंसाफ। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई किसान कल्याण मिशन के क्रियान्वयन संबंधित बैठक। 6 जनवरी से लगने वाले कृषि मेला और प्रदर्शनी के सफल आयोजन पर की गई चर्चा। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक। कहा, संरक्षण गृहों की व्यवस्थाओं को रखे सुदृढ़, संबंधित लोगों को पहुँचाए शासन की योजनाओं का लाभ। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला टास्क फोर्स कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राई रन की बैठक। 5 जनवरी को जनपद के 6 केंद्रों पर होने वाले कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राई रन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के दिए निर्देश। गोरखपुर में सोमवार को मिले 28 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,115। अब तक 345 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 277 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की पुष्टि। पिछले 3 दिनों से जिला अस्पताल में खत्म है रेबीज वैक्सीन। सोमवार को वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोगों ने इसे लेकर किया हंगामा। जिला अस्पताल के SIC ने कहा, वैक्सीन संकट को देखते हुए 1500 वायल की गई है मांग। 1 से 2 दिनों में मिल जाएगी वैक्सीन। और रोटरी क्लब युगल, रोटरी यूफोरिया, रोट्रैक्ट, गोरखपुर युवा और नई दिशा के संयुक्त तत्वावधान में 250 बच्चों को गर्म कपड़ा, स्वेटर, मफलर, खाद्य सामग्री किया गया वितरण। महापौर सीताराम जायसवाल ने संस्था का आभार किया प्रकट, की सराहना।